आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। जैसा कि आप ये पानी देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार प्राइमरी स्कूल के पास की गटर का हाल ये है कि पूरा पानी रोड पर आ गया है। और सामने जेटी स्कूल है और ये प्राइमरी स्कूल का ये हाल है। शहर की कॉरपोरेशन अतिक्रमण हटाने के ऊपर इतना ज़ोर दे रही थी, पर अभी अतिक्रमण पूरी तरह से हटने के बावजूद भी कोई गटर के अंदर का कचरा निकाला नहीं गया है। गटर को जो है तो साफ सफाई नहीं की गई है। आज ये बारिश आने की वजह से इतना ख़तरनाक हाल हो गया है कि स्कूल के बच्चे पूरे गटर के अंदर भिगते हुए जा रहे हैं। जैसा कि आप ये मेरे स्कूल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीमा दवाखाना भी है, जो डिलीवरी के पेशेंट वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीमा दवाखाने की एक सिस्टर जो है तो अंदर जा नहीं पा रही, एक नौजवान ने उनका हाथ पकड़ कर उनको पार कराया। तो ऐसे ही बहुत सारे मामलात है भंगार बाज़ार के अंदर। हम आपको बताते हैं कि भंगार बाज़ार में जहाँ सीढ़ी बम्बे भरे जाते हैं, शहर मालेगांव के किनारे के खेड़े के लोग यहाँ पर पानी भरने आते और कॉरपोरेशन इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। जैसा कि आप देख सकते कि ये नल है, नल के पास पूरा गटर का पानी जमा हो गया है, यहाँ पर सीढ़ी बम्बा भरा जाता है। आप शहर के अंदर सितकरी भाई, हमारे किसान भाई और शहर के जो किनारे के अफराद है, वह यहाँ पानी भरने आते तो वो पानी कैसे भरेंगे? आज उनको ये इस चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ा। आप जैसे कि इस पानी में देख सकते हैं कितनी गंदगी है, गटर का पानी है, वो नल के पास है। आवाम को इससे बीमारी हो सकती है। कॉरपोरेशन इसके ऊपर ध्यान दे और भंगार बाज़ार की हर गटर को साफ करे। इसी तरह खबरें देखने के लिए हमारा एसके न्यूज़ मालेगांव सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।